आज से मैं एक नए टॉपिक पे आप सबके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दैट इज सेट। BCA1 का सिलेबस अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है, डिस्क्रीट मैथ्स का सिलेबस बदल चुका है। जो 11th क्लास में आप सेट या समुच्चय बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते थे, वो आपका फर्स्ट यूनिट है। तो इसके वीडियो में छोटे छोटे फॉर्म में एक एक टॉपिक लेकर के आऊँगा। आज हम शुरू करते हैं सेट है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। सेट को हिंदी में बोला जाता है समुच्चय। इसका डेफिनेशन क्या होगा? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। समुच्चय या सेट बहुत ही सुस्पष्ट रूप से परिभाषित क्लियर कट थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ही क्लियर है, उनके कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। अगर उसमें एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है, ऐसी चीजों के कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलते हैं। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मैंने कुछ दो एग्जाम्पल है ऊपर जो बिल्कुल सेट के डेफिनेशन में फिट बैठता है। पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बीसीए फर्स्ट ईयर ऑफ दिस कॉलेज। किसी भी कॉलेज के पर्टिकुलर एक क्लास के सारे बच्चे जो एडमिशन ले चुके हैं, वो क्लियर है। एडमिशन फॉलो जाने के बाद वही नाम उसमें शामिल किए जाएंगे जिनमें जिन्होंने एडमिशन लिया है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। तो सारे बच्चों के नाम का जो कलेक्शन होगा वो एक सेट होगा। किसी पर्टिकुलर क्लास का होगा, किसी स्कूल में जाते हैं 10th क्लास के सारे बच्चों का सेट, पूरे स्कूल के सारे बच्चों का सेट, वो भी सेट होगा, समुच्चय होगा। दूसरा कलेक्शन ऑफ कैपिटल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। हमारे भारतवर्ष, हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, आप काउंट कर लें, देखें, सबका कैपिटल फिक्स है। जितने स्टेट्स हैं उतने कैपिटल नाम हमको मिलेंगे, तो वो भी क्लियर कट है, वो भी एक सेट होगा। सेट कब नहीं होगा? हमने यहाँ पे वेल डिफाइंड को या सुस्पष्ट रूप से परिभाषित वर्ड को जोर क्यों दिया इसके डेफिनेशन में, उसे नीचे के दो एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ टॉप 10 डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं आप सभी बच्चों से पूछूंगा कि भाई टॉप 10 डेंजरस एनिमल के नाम बताओ, तो एक बच्चा कोई 10 एनिमल का नाम बताएगा जो उसके हिसाब से टॉप 10 डेंजरस है, दूसरा बच्चा कोई दूसरे एनिमल्स के नाम बताएगा। इसमें होगा कंफ्यूजन, सब मत भिन्नता होगी, ओपिनियन डिफरेंस होगा, सभी का ओपिनियन कॉमन नहीं हो सकता कि टॉप 10 डेंजरस एनिमल किसको बताए, सब अपना अपना लॉजिक देंगे। तो ये हमारे लिए ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। वैसे बोला जाए कि बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर्स, उनका नाम फिर से सबकी च्वाइस है, किसी के अकॉर्डिंग कोई और टॉप 5 निकलेगा, दूसरे स्टूडेंट या दूसरे इंसान के अकॉर्डिंग कोई और टॉप 5 निकलेगा, फिर से ये कलेक्शन जो है सेट नहीं होगा। अगर बोला जाए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट, तो ये क्लियर है, हर कोई एक ही आंसर देगा। तो चलिए इस वीडियो में हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो डेफिनेशन ये है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट। हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, बहुत ही सुस्पष्ट रूप से परिभाषित चीजों का समूह होता है। अगर उन थिंग्स या ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात करें, जिसके कलेक्शन जिसको हम सेट बोलना चाह रहे हैं, उसमें मत की एकता यानी कि सभी का कॉमन ओपिनियन नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो सेट नहीं होगा। और वेल नोन है, क्लियर है, तो वो एक सेट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नोटेशंस की बात करेंगे, दो टाइप्स की बात करेंगे।